नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, श्री एस के बंदलिस कन्वेनर यूबीयू ने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में बताया कि अलाउंसेस के बारे में। उन्होंने शुरुआत में बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलाउंसेस के बारे में कुछ ऐसे बातें हैं जो कॉमन है, उसके अलावा वो डिस्कस करेंगे अलग से। उन्होंने बाकी बैंकों के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बताया कि ऑफसेटिंग पे, मैं उस स्पीच का एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ, ऑफसेटिंग पे जो पहले 7 डेज के लिए मिलता था उसको घटा के 4 डेज कर दिया गया। HRA 10.25 यूनिफॉर्म रेट, और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 11 बाइपार्टाइट में भी सेम रेट चल रहा था 10.25, यानी उसमें कोई इंक्रीज नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि क्लरिकल कैडर को हाउस रेंट सेम रेट पे ही मिलेगा, जैसा कि बंदली साहब ने इसको एग्रीमेंट किया या करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस जो 850 प्लस डीए, एक बात स्पेशल अलाउंस की है, और स्पेशल अलाउंस जो 16.40 था उसे 26.7% किया गया है। ये श्री बंदली साहब ने अपने स्पीच में बताया। हाल्टिंग अलाउंस 1,052-1,500, मेडिकल अलाउंस 2,730, और एक न्यू कॉन्सेप्ट जो हाफ डे लीव का है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि इस किया जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि हम 4 हाफ डे अवेल कर सकते हैं, 4 हाफ डे। प्रिविलेज लिस्ट के बताया, प्रिविलेज लिस्ट के बारे में कि ऑल वुमेन 1 मेडिकल सिक लीव अवेल कर सकती विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ बातें एलएफसी के बारे में बताया, और एलएफसी के बारे में बताया कि क्लरिकल के लिए 300 किलोमीटर और 200 किलोमीटर सब स्टाफ के लिए, ट्रेन कोई भी हो, वंदे भारत, तेजस या जो भी कोई ट्रेन चल रही हो, उस सारे फास्ट ट्रेनों में भी अलाउड कराया गया है। तत्काल चार्जेज के लिए भी बैंक उसको पेमेंट करेगा, और एलएफसी में किसी कारण से अगर ब्रांच में छुट्टी सैंक्शन नहीं करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज भी बैंक बियर करेगा। और हमारे सभी साथी अच्छे अच्छे क्लैपिंग कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि बंदली साहब ने उनका इतना अच्छा अग्रीमेंट करा दिया। जैसे कि हाउस रेंट चेंज ही नहीं हुआ तो भी क्लैपिंग हो रही थी, तत्काल टिकट का पेमेंट होगा उसके लिए क्लैपिंग जोर शोर से हो रही थी। अब ना जाने कितने लोग तत्काल में टिकट कराएंगे और एलएफसी जाएंगे। तो खैर, कैंसिलेशन चार्ज के लिए मैं तो नहीं समझता हूं कि एलएफसी सैंक्शन होने के बाद कोई ब्रांच मैनेजर किसी क्लरिकल कैडर का कैंसिल करता है, जनरली नहीं होता है, 99% नहीं होता है। लेकिन इन सभी पे तालियां और वाहवाही हो रही थी और बंगली साहब खुश हो रहे थे। खैर, अब तो यूबीयू के कन्वेनर हैं, जो कर देंगे वो हमारे क्लरिकल स्टाफ को, अवार्ड स्टाफ को, ऑफिसर्स को, सबको मानना ही पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।